तो हम लोग यहाँ पर हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं और यूजेस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का कहाँ कहाँ यूज होगा हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था, डाइहाइड्रोजन इज यूज इन हार्बर प्रोसेस। आप डाइहाइड्रोजन का यूज करेंगे हार्बर प्रोसेस में, ताकि इन हार्बर प्रोसेस टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, वो N2+3H2 से 2NH3 बनना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, -92.5 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है। सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का क्या काम है? अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बिकॉज अमोनिया इज यूज इन सेवरल केमिकल प्रिपरेशन, यूज इन सेवरल केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए, एंड इवन इन सम फर्टिलाइजर्स, और कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम लोग अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अमोनिया कहाँ से बनेगा? अमोनिया बनेगा हाइड्रोजन से। तो ये आपके हाइड्रोजन का पहला यूज हो गया। देन सेकेंड, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये हाइड्रोजिनेशन करने में मदद करता है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वनस्पति घी बनाना। हमने पढ़ा था ना वनस्पति घी का फॉर्मेशन यूजेस में, तो वनस्पति घी वगैरह बनाने के लिए हम लोग हमारे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन वहाँ पर प्रिसाइजली यूज होता है। देन थर्ड, आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने वाटर गैस पढ़ी थी। वाटर गैस, वाटर गैस, हमने इस गैस को नाम दिया था सिन गैस, और हमने इस गैस को नाम दिया था सिंथेटिक गैस। सिन गैस एंड सिंथेटिक गैस, ये जो गैस होती है दैट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड योर हाइड्रोजन। और ये सारी गैसेस क्या बनाने में यूज करती हैं? सेवरल हाइड्रोकार्बन्स, मतलब आप सिन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं सेवरल हाइड्रोकार्बन्स बनाने में। एंड मैंने वहाँ पर आपको मीथेनॉल भी बनाकर बताया था कि किस तरीके से आप मीथेनॉल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता भी हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है आपके सिन गैस। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के 2 मोल्स अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा CH3OH, दैट इज़ योर मिथेनॉल। तो इस तरीके से आपकी वाटर गैस रिएक्शन का या सिंथेटिक गैस जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। ये आपका बेसिकली क्या है? दैट इज़ योर मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल बनाने में भी इस्तेमाल होती है। देन इसका अगर हम फोर्थ यूज़ की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेबॉरेटरी रिएजेंट होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl बनाने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई यूटिलिटी इसकी होती है। ठीक है, इतना मैं रब कर दूँ। ठीक है, तो ये आपके 4 यूजेस तो हो गए, और थोड़े बहुत यूजेस मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अगर स्कूल एग्जाम में आता है राइट डाउन द यूजेस, तो यूजेस तो आप बहुत सारे अपने मन से लिख सकते हो। इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही इसके यूजेस है। केमिकल प्रॉपर्टी में जो जो बनाए वो इसके यूजेज ही तो हुए, हमने वही तो पढ़े। ठीक है, देन फिफ्थ, इट इज यूज्ड, मतलब हम ऐसा लिखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन, जो आपका एटॉमिक हाइड्रोजन होता है इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग कटिंग और वेल्डिंग। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को 2000 केल्विन तक राइज कर सकता है। आप देखा होगा लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, लोग वेल्डिंग करते हैं ना, वो वेल्डिंग करते हुए देखा होगा स्पार्क निकलता है। तो उस वेल्डिंग करते समय हमारे पास ऑक्सी हाइड्रोजन का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर वी यूज ऑक्सी हाइड्रोजन, हम लोग उसके अंदर ऑक्सी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन नाम की गैस का जब इस्तेमाल किया जाता है
तो ऑक्सीजन उस स्पार्क की वजह से टूट जाता है एटॉमिक फॉर्म में, और सरफेस पर, जिसकी भी सरफेस पे, आयरन की सरफेस पर जाकर चिपक जाता है। और एटॉमिक हाइड्रोजन होने की वजह से वो आयरन की सरफेस का टेम्परेचर कई हज़ार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, और इस वजह से बड़े आराम से वो वेल्डिंग करने वाला आयरन के दो पीस को जोड़कर एक छोटा सा वेल्डिंग का टच करता है, एकदम तेज़ी से स्पार्क निकलता है और वो आयरन वहाँ का मेल्ट हो जाता है और चिपक जाता है। आपने कभी सोचा है कि वेल्डिंग करते समय जब ज़रा सा एक स्पार्क निकलता है, मतलब चिंगारी निकलती है, और चिंगारी में क्या इतना टेम्परेचर होता है कि वो दो आयरन को मेल्ट करके जोड़ दे? नहीं, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम कौन करता है? आपका एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, सिक्स्थ यूज, ये जो स्पेस रॉकेट्स जो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं उसमें एज अ फ्यूल की तरह यूज करता है। तो इट इज़ स्पेस रॉकेट्स में इट इज़ यूज एज अ फ्यूल, ये एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको मालूम है लिक्विड हाइड्रोजन भरी जाती है जितने भी स्पेस शिप्स वगैरह ऊपर स्पेस में जाते हैं, क्योंकि ये जो जब हाइड्रोजन जब कंबस्ट होता है, हम लोग आगे इस चैप्टर के लास्ट में हाइड्रोजन इकोनॉमी में और हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हाइड्रोजन एक फ्यूल है। जब हाइड्रोजन कंबस्ट होता है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो बर्न होता है, तो हाइड्रोजन पेट्रोल से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में ये बात भी पढ़ेंगे। तो ये थे बेटा कुछ हाइड्रोजन के यूजेस, आई थिंक दीज यूजेस आर सफिशियंट। ठीक है, इतने यूजेस आप लोग बड़े अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हम लोगों को? ठीक है, एक सातवां यूज भी पढ़ लीजिए, मैं लिखवा ही देता हूँ आप लोगों को। इट इज़ यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, इट इज़ यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। कहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहा हूँ उससे मैं? एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्यूल सेल। बेटा फ्यूल सेल्स होते हैं, अगेन इन फ्यूल सेल की बात आप समझ लो, ये फ्यूल सेल है जो स्पेस में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग आउटर स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? अब आप सोचो स्पेस शिप तो बहुत छोटी होती है, उसमें लोग दो दो महीने, तीन तीन महीने, छः छः महीनों के लिए स्पेस में जाते हैं, है ना, हमारे एस्ट्रोनॉट्स। तो 6 महीने तक अगर एस्ट्रोनॉट पानी नहीं पिएगा तो क्या जिंदा रह सकता है? नहीं, उसको वहाँ पर पानी की ज़रूरत होगी। तो इतने से स्पेस शिप में वो क्या दो दो पानी की टंकी लेकर जाएगा, सिंटेक्स की टंकी भर के? कि नहीं, मेरे को तो पानी लगेगा। तो वहाँ पर पानी का प्रोडक्शन कैसे होता है? उन स्पेस शिप्स में फ्यूल सेल लगे हुए होते हैं। फ्यूल सेल से एक एंड से हाइड्रोजन गैस अंदर आती है और दूसरे एंड से ऑक्सीजन गैस अंदर आती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अंदर जाते हैं, कंबस्ट होते हैं, और इनके कंबंशन से निकलती है एनर्जी, जिसको फ्यूल सेल उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे स्पेस रॉकेट के अंदर जो भी गैजेट्स वगैरह होते हैं उनको रन करता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर एनर्जी के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, H2+O2, मतलब क्या? वाटर। तो जो वाटर प्रोड्यूस होता है फिर वो स्पेस शिप्स में जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ठीक है, अब ये मत पूछना कि नहाने के लिए क्या करते हैं, है ना। एक क्लास में मुझसे बच्चा पूछा था कि सर पानी पीने का तो हो गया, नहाने वाने का क्या है? तो वो सब यहीं से आता होगा, है ना। चलो, तो ये हो गया आपके यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ पर हमारे यूजेस खत्म हो चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट, इतना पढ़ने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर हाइड्राइड्स की बात करने वाले हैं। हाइड्राइड्स, तो बेटा देखो हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर हम हाइड्रोजन को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में सिखाया है कि अगर आप हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं तो फ्लोरीन के साथ डार्क में हो जाएगी, लेकिन आयोडीन के साथ आपको टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी, है ना। ये बात आपको सबको पता है कि जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करोगे तो आपको अलग अलग कंडीशंस देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक आर्क करंट देना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रोवाइड अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन को अगर कुछ स्पेसिफिक, कुछ सूटेबल कंडीशंस दे दी जाए, तब हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है।
तो हम एक बात ध्यान रखेंगे दैट हाइड्रोजन, हमारा जो हाइड्रोजन होता है अंडर, हाइड्रोजन अंडर सूटेबल कंडीशंस, अगर कंडीशंस हाइड्रोजन को सूटेबल होती है तो हाइड्रोजन अंडर सूटेबल कंडीशंस रिएक्ट्स ऑलमोस्ट विथ एवरी एलिमेंट, विथ एवरी एलिमेंट्स। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, है ना। विथ ऑलमोस्ट एलिमेंट, एक बात तो हम यहाँ नोट कर ही लो, जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के साथ हाइड्रोजन कभी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि नोबल गैसेस नोबल होती हैं। एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस, और भी कुछ एलिमेंट्स के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हाइड्रोजन अंडर सूटेबल कंडीशन रिएक्ट ऑलमोस्ट विथ एवरी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जिनका मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ MXHY, जिसमें M कैन बी योर एनी एलिमेंट एंड H इज योर हाइड्रोजन एंड X और Y इनके नंबर ऑफ एटम्स, या कितने मोल्स ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो एंड फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन MXHY known as हाइड्राइड्स, और इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्राइड्स, दे आर नोन एज हाइड्राइड्स। क्लियर। सो हाइड्रोजन अंडर सूटेबल कंडीशन रिएक्ट्स ऑलमोस्ट विथ एवरी एलिमेंट नोबल गैसेस को छोड़ के एंड फाउंड एंड फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन MXHY एंड दे आर नोन एज हाइड्राइड्स, इन्हें हाइड्राइड्स बोला जाता है। तो क्या हाइड्राइड्स वाली बात हमें क्लियर है, कि आपको समझ में आ गया दैट वॉट आर हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इन हाइड्राइड्स की, तो बेटा हाइड्रोजन जनरली तीन अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है। हाइड्रोजन फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन तीन टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एस आयोनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स, सेकेंड आर कॉल्ड एस कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एस मेटेलिक और नॉन स्टोइशियो मेट्रिक हाइड्राइड्स। तो बेटा आपका जो हाइड्रोजन है वो तीन तरीके के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज योर आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक, और वी कैन से नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तीन तरीके के हाइड्राइड्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कैसे क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सेलाइन हाइड्राइड्स हमेशा हाइड्रोजन बनाएगा विथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब कभी भी हाइड्रोजन कंबाइन होगा वो आयोनिक या सेलाइन हाइड्राइड बनाएगा। MH2, यहां पर M कैन बी योर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। मतलब मैं सीधी सी बात कहूं तो ये आपके सारे M यहां पर हो सकते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, दे कैन बी योर अल्कली अर्थ मेटल्स, ये आपके अल्कली अर्थ मेटल्स हो सकते हैं। और इट कैन बी MH टाइप, वेयर यहां पर आपका M हो सकता है कोई भी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, आपका जो हाइड्रोजन होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 रहेगी। मतलब जब अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज अल्कली अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन,
ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर देंगे, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ऑक्यूपाई करता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग -1 गिनकर चलेंगे। ये हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक टाइप के होंगे, दे आर ऑलवेज स्टोइशियोमेट्रिक टाइप, मतलब देर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड सिंपल रेशो, सिंपल रेशो होगा लाइक NaH में 1:1 का रेशो है, एक सोडियम पर एक हाइड्रोजन, एंड अगर हम MgH2 की बात करें तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम पर दो हाइड्रोजन, 1:2 का रेशो। तो इस तरीके के फिक्स सिंपल रेशो में बात चलेगी, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1, ऐसे सिंपल रेशियोज में आपके कंपाउंड को ये हमेशा बनाएगा, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स एज वेल, इन्हें स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोला जाता है, स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी इन्हें बोला जाता है। क्या इतनी बात हमें यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा, इधर तक कोई डाउट तो नहीं है हम लोगों को? एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने आपको आपके आयोनिक या सलाइन जिसको बोलना चाहिए हाइड्राइड्स पढ़ाए। दूसरी खास बात, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम, मैं 6 पॉइंट यहां लिखूंगा फिर हम रब कर लेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर कलरलेस, बहुत सारे लेक क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। देन 7 प्रॉपर्टी, इफ सच मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, अगर आप इन मेटल हाइड्राइड्स को इलेक्ट्रोलाइज्ड कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक तो मेटल अलग दिखेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, यानी कि देयरफॉर क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, व्हेनेवर इसको रब करेंगे, व्हेनेवर योर मेटल हाइड्राइड्स, है ना, हम क्या बोलेंगे, व्हेनेवर योर मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, मेटल हाइड्राइड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन लिखना चाहिए मुझे, लिखना चाहिए इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। और बेटा ये हाइड्रोजन गैस मुझे हमेशा कहाँ से मिलेगी, एनोड पर। बेटा एनोड मतलब कि इलेक्ट्रोड्स का वो पार्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता हो, एनोड पर हमेशा क्या मिलेगा मुझे, एनोड पर मुझे हमेशा मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, आई विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव चार्ज ऑन एनोड। और हमने अभी यहाँ सीखा कि हाइड्रोजन पर -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2H-1 आएगा एनोड पर, अपने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कंबाइन होकर H2 के फॉर्म में एनोड से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है, ये हमारी और बात हो गई इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा फिर जैसे रब करके कुछ और बात सीख लेते हैं। देन 8 पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, जब कभी भी आप इस मेटल हाइड्राइड को वाटर के अंदर ऐड करने की कोशिश करोगे, ये आपको हमेशा एक एक्वस सॉल्यूशन देगा और फिर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो मतलब जब कभी भी कोई आपका मेटल हाइड्राइड यानी कि इस तरीके का आयोनिक या सेलाइन हाइड्राइड वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, इट विल गिव यू अ बेस एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा हम लोगों को? इधर तक कोई डाउट तो नहीं किसी भी तरीके का? तो एक बार ध्यान से देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात करी अबाउट आवर आयोनिक या मैं कहूँ सलाइन हाइड्राइड्स की, जिसके मैंने आपको 8 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो यहाँ पर हमारी ये बात खत्म होती है, वी हैव डन टॉकिंग अबाउट आयोनिक हाइड्राइड्स, एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स की बात हम लोगों ने कर ली है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। एज द नेम सजेस्ट कोवेलेंट, कोवेलेंट हमेशा आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होगा तब देखने को मिलेंगे। तो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन योर हाइड्रोजन, जब आपका हाइड्रोजन कंबाइन होता है किसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। यहाँ तक बात क्लियर हुई, अभी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इन कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की बात करें तो अगेन मैं इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करूँगा। पहला
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइस हाइड्राइड्स, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन नहीं डेफिशिएंट हो गया, कितनी बड़े डेफिशिएंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो बेटा ये तीन तरीके के, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हाइड्राइड्स होते हैं आपके कोवेलेंट वाले जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ मिलकर बनते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स आर ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स आर ऑलवेज फॉर्म विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये हमेशा आपको ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होकर मिलेगा, लाइक बोरॉन एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करके बता दूँ तब आपको समझ में आएगा। हम सबको मालूम है कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बोरॉन का लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो जब बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, बोरॉन के पास 3 हाइड्रोजन आ गए, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाकर एक बोरॉन का BH3 हाइड्राइड बना लिया। लेकिन जब आप इस बोरॉन को ध्यान से देखोगे तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में मुझे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। मतलब बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट। लुइस कंसेप्ट के हिसाब से हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें, और 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं हैं तो वो स्टेबल नहीं है। लेकिन इस बोरॉन को अगर मैं देखूं तो ये मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देयरफॉर सच हाइड्राइड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेता हूँ BH3। बेटा ध्यान रखिएगा, BH3 हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब रियल में BH3 B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉमा BH3 के बाद ALH3 एक्सेट्रा, इनको हम लोग बोलेंगे दे आर योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है, इसको रब कर दूं, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। अच्छा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद कीजिए आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वो सारे सब्सटेंसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 4 या 6 होते हैं, तो वो किसी से पूरा का पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद उनके बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कैसे मैं फिर बताता हूँ, मैंने गलती करी हो मिटा के, मुझे मिटाना नहीं था, बट मैं फिर एक जनरल फॉर्म बना लेता हूँ। ये मेरा BH3 बन गया। अब आपको दिख रहा है कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 खुद के, 1, 2, 3 हाइड्रोजन के। अब मान लीजिए इसके सामने आया है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका नाम है अमोनिया। अब आपको मालूम है अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में एक लोन पेयर फालतू पड़ा हुआ होता है और इसके बाद है नहीं, तो ये अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इसको दे देगा और अब कहेगा कि मुझे तो लोन पेयर भी मिल गया है और अब मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इस वाले केस में आपके बोरॉन ने अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन से पूरा का पूरा लोन पेयर शेयर कर लिया। एंड जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड बन जाता है, इट बिकम्स लुइस एसिड। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे ये सारे लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, दे आर एक्चुअली लुइस एसिड इन नेचर, लुइस एसिड इन नेचर। तो ये हो गई बात आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। अब हम हमारी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की। बेटा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब जितना है उतना अवेलेबल भी, आई मीन जितने की ज़रूरत है उतना अवेलेबल भी है। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यह जनरली किस तरह बनेगा, विथ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, विथ ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक,
ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, जर्मेनियम एक्सेट्रा. कैसे, मैं एक एग्जांपल बना के बताता हूँ. लाइक आपके पास में है CH4, दैट इज योर मीथेन. तो ज़रा देखते हैं हम लोग, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 4 हाइड्रोजन जब आएंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो इनके बीच में शेयरिंग से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. और अब आपको कार्बन के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जितने उसके पास होने चाहिए. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड. ना तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर अवेलेबल होता है और ना ही इनके पास वो इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर से कमी होती है. ठीक है, यहाँ तक बात बेटा हम लोगों को अच्छे समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जैसे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हो, मैंने आपको कार्बन का शेप सिखाया था, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल. तो इन हाइड्राइड्स का शेप भी हमेशा कैसा चलेगा, टेट्राहेड्रल. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत मतलब खुद भी समझ में आ रहा होगा. ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के साथ देखने को हमें मिलता है. लाइक ग्रुप 15 से मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, ग्रुप 16 से मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ग्रुप 17 से मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ. एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं. जैसे मैं अमोनिया का फॉर्मेशन करूँ, तो आपको मालूम है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक पेयर होता है और पी ब्लॉक के अनपेयर्ड होते हैं. तो जब इसके पास में हाइड्रोजन आएगा, अपना हाइड्राइड बनाएगा और इस तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल को पूरा कर जाएगा. लेकिन अब नाइट्रोजन के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं आया है, इसीलिए इसे बोला जाएगा, इस तरीके कंपाउंड को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजन में एक दिखता है, NH3 में आपको एक लोन पेयर एक्स्ट्रा दिखेगा. देन अगर मैं आप लोगों से वाटर की बात करूं, तो वाटर में आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे. और अगर मैं आप लोगों से फ्लोरीन की बात करूं HF की, तो फ्लोरीन तो आपको 3 लोन पेयर दिखते हैं. तो सच कंपाउंड्स आर योर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स. तीसरी बात, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसने लोन पेयर को एक्सेप्ट करा था, तो ये बन गया था लुईस एसिड. तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा लुईस बेस. इट विल बिकम लुईस बेस, इट विल एक्ट एज एन लुईस बेस. तो बेटा ये जो बात हुई हमारी, ये बात हुई अबाउट कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे क्लियर होता चल रहा होगा आप लोगों को. नाउ एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक और मेटेलिक हाइड्राइड्स. हमारे लास्ट वाले मेटेलिक हाइड्राइड्स और वी कैन से नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स. देखो बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स पढ़ने से पहले इस मेटेलिक का मतलब समझो. मैं यहाँ इसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, वो सब पढ़ा दिया, अब सिर्फ मेटेलिक की बात करेंगे. जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और जो वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटेलिक हाइड्राइड्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है, आपका जो ग्रुप 6 है बेटा पीरियोडिक टेबल का, जो ग्रुप 7 है और जो ग्रुप 8 है और जो ग्रुप 9 है, इन सभी के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, दे डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. सिर्फ ध्यान रखेंगे जो ग्रुप 6 का एक ही ऐसा मेंबर होता है, ग्रुप 6 का सिर्फ एक ही ऐसा मेंबर है, दैट इज योर क्रोमियम, जो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है. बाकी कोई भी हाइड्रोजन के साथ किसी भी तरीके की रिएक्टिविटी शो नहीं करते, दे डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन. तीसरा पॉइंट, हम इन्हें नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्यों कह रहे हैं? बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब होता है वो सारे कंपाउंड्स जिनका फिक्स रेशो, जिनका सिंपल होल नंबर रेशो नहीं होता, मतलब 1:1 नहीं होगा, 2:1 नहीं होगा, बड़े अजीबो गरीब इनके रेशो होते हैं. और हम लोग उसी की यहाँ पर बात करेंगे, इनके बहुत ज़्यादा अजीब अजीब रेशो होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग बात करें
है ना, जैसे कि हम लोग इन लोगों के रेशोज की बात करें तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब एक रेशो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर उसमें लेंथेनियम है, लेंथेनियम हाइड्रोजन के पास 2.67, अब ये कैसा रेशो हुआ, 1:2.67। यहाँ पर लेंथेनियम हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 1:2.67, तो ये बड़ा अजीबोगरीब रेशो नहीं हो गया। देन अगर हम बात करें वेनेडियम हाइड्रोजन के साथ 0.5, देन निकेल हाइड्रोजन के साथ 0.7, तो ये बड़े अजीब से रेशो है, 1:0.5, देन 1:0.7, सच अनइवन टाइप्स ऑफ रेशोस। इन अनइवन रेशोस की वजह से इन्हें बोला जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। मैं चौथा पॉइंट यहाँ लिखता हूँ बेटा, ये वाले सॉलिड्स मतलब ये वाले जो आपके मेटल हाइड्राइड्स हैं, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, इवन इन सॉलिड फॉर्म दे कैन कंडक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मतलब आप समझ रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में भी इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से कंडक्ट कराई जा सकती है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि इन अनइवन रेशोस का कारण क्या है, तो बेटा इसका कारण ये है कि जो हाइड्रोजन होता है एक्चुअली ये क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज द लेटाइस पॉइंट्स इन द मेटल, और इस वजह से इसका रेशो थोड़ा अनइवन हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सॉलिड है, मतलब ये जो मैं आपके सामने क्यूब बना रहा हूँ, ये क्यूब के 8 कॉर्नर माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 कॉर्नर में मान लो लेंथेनियम रखा हुआ है, लेंथेनियम। फिर ऐसा का ऐसा क्यूब इसके पास में और होगा, तो ये मैंने इसके पास में क्यूब बना दिया, ये भी लेंथेनियम। अब ये दोनों क्यूब बिल्कुल जब पास पास चिपके हुए होंगे, तो इन दो लेंथेनियम के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें एक हाइड्रोजन का एटम आकर बैठा हुआ होगा, ये आपका हाइड्रोजन का एटम है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आप मान के चलो इतना इतना पोर्शन ये ले लेगा और इतना ज्यादा पोर्शन ये ले लेगा, तो मतलब एक हाइड्रोजन का एटम गलत तरीके से अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हो सकता है कि दोनों आधा आधा ले लें, 0.5 0.5, या हो सकता है ये 0.7 ले लें और ये 0.3 ले पाए, तो इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से आपको ये ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है दैट इट गेट एड्सॉर्ब्ड, इट गेट एड्सॉर्ब। बेटा एड्सॉर्ब का मतलब मालूम है आपको, यहां पर मैं एब्सॉर्ब नहीं बोल रहा हूं, सोख लेना, ड्राई कर देना, अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, एब्सॉर्ब नहीं, यहां पर डी है, एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है स्टिकिंग, चिपकना, स्टिकिंग टू द सरफेस, कहां पर चिपक जाना, सरफेस पर, तो एड्सॉर्प्शन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, तो हाइड्रोजन गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द, इट गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सरफेस पर जाकर ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है, एंड देयरफॉर ये जो डी ब्लॉक्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, इसीलिए इनको पूरी केमिस्ट्री में हर जगह कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपनी सरफेस पर ये हाइड्रोजन जैसी गैसेस को चिपका लेते हैं और अपने को अपने ऊपर बहुत सारी ये गैसेस को एड्सॉर्ब करके इनको स्टोर करके रख लेते हैं, इसलिए इनको स्टोरेज करने के लिए भी, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए भी डी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों की बात खत्म हो गई अबाउट हाइड्राइड्स, हम लोगों ने हाइड्राइड्स खत्म कर लिया और यहाँ पर डाइहाइड्रोजन भी खत्म होता है। अब हम जो अगले वीडियो में मिलेंगे उसमें मैं आप लोगों से बात करूँगा वाटर की, वाटर के शेप, वाटर के स्ट्रक्चर, आइस के स्ट्रक्चर, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें प्रेजेंट हार्डनेस,
हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की हम लोग बात करेंगे, उसमें कुछ मान के चलिए 2 या 3 वीडियोस लगेंगे, एंड देन एक वीडियो लगेगा जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और एक वीडियो में लास्ट का जो हाइड्रोजन इकोनॉमी वगैरह वो डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के इस लेक्चर में इस चैप्टर के लगभग 3 से 4 लेक्चर्स और आने बाकी हैं, और फिर हमारा चैप्टर फुल फ्लेज्ड तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली इतनी बातें बट आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करना मत भूलो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को। देन लाइक करने के बाद आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको लेटेस्ट हर चीज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और तीसरी चीज़, कोई भी पॉइंट पर पहुंचने के पहले एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में देखो कि मैंने कौन कौन से वीडियोज़ बना रखे हैं। जो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं लेसन वाइज चैप्टर वाइज मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास लिखी हुई है उस पर, सब कुछ क्लियर है, आप उसको देखो, उतने वीडियोज़ हमारे अवेलेबल हैं। जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ या चैप्टर नहीं मिल रहे हैं वो अभी हमारे बनाने बाकी हैं, ठीक है? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं फटाफट बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बाय बाय।